का पवित्र महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। इस साल 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होगा, उसी दिन से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में शिव भक्त पूरे 2 महीने तक भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट है और कांवड़ियों को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस बार 2 मास लगा है और 59 दिन तक सावन का महीना चलेगा। प्रदेश के मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कांवड़ियों को भी अहम निर्देश दिए गए हैं। कार्यवाहक पुलिस निर्देशक के साथ संजय प्रसाद ने कांवड़ यात्रा को लेकर जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि कांवड़िये 12 फीट से ऊंचा कांवड़ लेकर नहीं जा सकेंगे। ज्यादा ऊंचे कांवड़ बिजली के तार से टकरा सकते हैं। कांवड़ यात्रा में त्रिशूल और भाले पर रोक रहेगी। आम लोगों को परेशानी ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। कांवड़ियों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। कांवड़ यात्रा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। ध्यान रखा गया है कि डीजे पर अशोभनीय गाना न बजे। अधिकारियों को कांवड़ियों से अच्छा बर्ताव करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। कांवड़ संघों से बातचीत करके कांवड़ शिविर भंडारे की अनुमति देने की भी बात कही गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए विशेष योजना बनाने को कहा गया है। यूपी प्रमुख सचिव ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित की जाने वाली अफवाहों पर सख्ती से नजर रखी जाएगी। इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने का भी निर्देश दिया गया है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 5 जोन में बांटा गया है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत पहला जोन है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दूसरा जोन है। सहारनपुर मंडल तीसरा, बरेली चौथा और आगरा 5वां जोन है। कांवड़ यात्रा पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर और 81 ड्रोन कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। 1103 स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। कांवड़ मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 30 जून से पहले कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से प्रारंभ होगी। ऐसे में 4 जुलाई से दिल्ली देहरादून हाईवे 1-वे रहेगा। एक ओर कांवड़िये चलेंगे तो दूसरी ओर वाहन। 9 जुलाई से हाईवे पूरी तरह कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा।